हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पिक स्टॉक्स में। और यहाँ पे जो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये टेलीग्राम का फ्री वाला चैनल है जिसमें कि मैंने एक अपडेट करा था, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ, ठीक है, मार्केट, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करी, ठीक है। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे मैंने बोला हुआ था कि यहाँ पे हम एंट्री लेंगे, यहाँ पे मैंने बोला हुआ अभी था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एंट्री का बोला हुआ था। उसके बाद में मैंने क्या बोला कि नियर टू एंट्री है हम, ठीक है। उसके बाद में 36200 का पुट मैंने दिया था 235 रुपये के आसपास में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 240-245, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ और उसके बाद में मार्केट फिर से डाउनफॉल दिखाया, ठीक है। और उसके बाद में 300, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो 335, ठीक है, और 3, इस तरीके से ये 335 तक गया था, ठीक है। और इस तरीके से जो सारे टारगेट इसमें डन करवाते हैं तो एजुकेशनल कंटेंट इसमें आता रहता है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल में ज़रूर विजिट करें एक बार, और अगर आप नए ट्रेडर हो तो एक बार ज़रूर देख के आएँ, ठीक है। हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पिक स्टॉक्स में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग हम करते हैं उसके अंदर हम सही से एंट्री कैसे लेते हैं, ठीक है। और अगर आप सही एंट्री ले लेते हो, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता कि कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, यानी कि जो टारगेट हमारा है उसको किस तरीके से सेट करना है, उन सभी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए इस वीडियो में। और अगर आपको इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए, ठीक है, प्राइस एक्शन के ऊपर और भी बहुत सारे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जो है करके रखें, ठीक है। इस पर बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कि सही एंट्री जो होता है वो किस तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी हम जो ऑप्शन ट्रेडिंग हम करने जाते हैं, ठीक है, तो हमको जो सही एंट्री का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम एंट्री ले लेते हैं, ठीक है, मान लो कि आपने कोई स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और या फिर कोई स्टॉक बाई करा आपने, ठीक है, तो उसके अंदर मान लो लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया, तो उसमें आपको इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको प्रीमियम का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। प्रीमियम जो होता है हमारे लिए मेन चीज़ होती है, क्योंकि प्रीमियम जैसे ही लॉस होता है, ठीक है, वैसे ही हमको हमारा लॉस होने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो कौन सा जोन होता है उसमें हमको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारा प्रीमियम जो है वो सेफ रहे, ठीक है, प्रीमियम लॉस नहीं हो, ठीक है। और किस तरीके से है जो हमारी एंट्री है वो एक परफेक्ट एंट्री हम लेंगे, तो उस पर बात करने वाले, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको आसानी से समझाने के लिए ये मोबाइल में आपको यूज करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे, ये यहाँ पे जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये लेवल्स मैंने ड्रॉ करे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सपोर्ट होता है और क्या रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही होगा, अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस इन सब के बारे में नहीं जानते हो तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम जो एंट्री लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा प्रीमियम लॉस नहीं हो और जल्दी से हमारा जो टारगेट है उसको हमको जो कैच कर ले, ठीक है, तो उसको देखेंगे, ठीक है। मान लो कि अभी जो है बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट खोला हुआ है, ये ट्रेडिंग व्यू का जो वेबसाइट है इसके अंदर, ठीक है, और आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या कोई भी आप उसके अंदर कर सकते हो चार्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी आप दोनों में कर सकते हो, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग। तो इस तरीके से देखेंगे कि मान लो कि यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सुबह जब मार्केट खुला था, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है कैंडल बनी थी, ठीक है, ये वाली कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये जो कैंडल रेड वाली कैंडल है, ठीक है, उसके बाद में एक जो ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा क्या हुआ, बुलिश हुआ, ठीक है। मार्केट बुलिश होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे अचानक से थोड़ी दूर जाने के बाद में क्या हुआ, मार्केट में फिर से जो बीरिस मूवमेंट आने लग गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो दूसरे वाली कैंडल बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो है कैंडल, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक मूवमेंट रुका इसका और उसके बाद में नीचे आने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया कि अभी यहाँ पे क्या हो गया, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि आपने कॉल का एंट्री लिया हुआ था जो इसके बाद में ये बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे आप गलत हो जाते, ठीक है। और ये जो जोन था वो एक्चुअली नो ट्रेडिंग जोन था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये नो ट्रेडिंग जोन था, यहाँ पे ट्रेड आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आपने यहाँ पे मान लो कि ट्रेड कर रहे थे, ठीक है,
तो आपका प्रीमियम लॉस हो जाता है, ठीक है। फिर मान लो यहाँ पे अगर आप पुट लेते, ठीक है, तो चलो ठीक था, वो तो एडजस्ट हो जाता, आपका जो प्रीमियम है वो लॉस नहीं होता, बल्कि थोड़ा बहुत इसमें आपको मिल जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्लो स्लो मूवमेंट हो रहा था, कोई खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो इस तरीके का जो हमको ये जो मार्केट के अंदर मूवमेंट मिलता है, ठीक है, इस तरीके के मूवमेंट को आप हमेशा अवॉइड करो। इस तरीके का मूवमेंट जब भी आपको मिले, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इस तरीके का मूवमेंट आपको जब भी मिलता है तो मार्केट से आप दूर हो जाओ, ठीक है। बोल दो कि हमको मार्केट में अभी ट्रेड नहीं करना है, उसको बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। जब भी मार्केट जो होता है इस तरीके का मार्केट इस फेज में होता है, ठीक है, ऊपर ना कोई ज़्यादा ना कोई ऊपर, इस तरीके के जो फेज़ होता है इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है कभी भी, क्योंकि इस तरीके के जो फेज़ में आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है, किस तरीके से ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये इसका हाई मैंने पकड़ा जो रेड वाली कैंडल था, और यहाँ पे इस तरीके से देखो, यहाँ पे बार बार यहाँ पे मैं आपको दिखाता था, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बार बार से क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इसका रजिस्ट इसको कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से ये बार बार इसको रजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, जो कि ट्रेंड यहाँ पे जो है वो मेरे को पहचान में मदद करेगी, ठीक है। तो मैंने इस ट्रेंड लाइन के सारे से ये पता लगा लिया कि ये इसको बार बार से क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है, और जब भी इसका जो है इसका हाई निकालेगा इस ट्रेंड लाइन का, तब मैं इसमें एंट्री के बारे में सोचूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी एंट्री है वो बनेगी और किस तरीके से हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, ठीक है, तो मैं एक बार इसको यहाँ पे कर देता हूँ हाइट, ठीक है। तो चलो देखते हैं, मान लो कि आपने यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे किया था, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसका जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेकआउट होने के बाद में नीचे आया, रिटेस्ट टाइप का हुआ, और उसके बाद में फिर सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी पहचान सकते हो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, उस पे आप एंट्री लोगे तो आप 100% प्रॉफिट रहोगे, ठीक है। हाँ, मान लो कभी कभी क्या होता है, मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होता या फिर फॉल्स जो ब्रेकआउट होता है, ठीक है, अगर आपको फेक ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में नहीं पता है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। क्या होता है कि कई बार मैं मार्केट जो बाहर तो जाता है लेकिन वो वापस क्या होता है, लौट के आ जाता है, ठीक है। मैं आपको कहीं पर होगा तो यहाँ पर दिखाऊँगा जरूर कि किस तरीके से होता है मार्केट के अंदर और किस तरीके से उस ट्रेप में आप फंस सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ कहीं होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। चलो मिलेगा तो मैं आपको उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। क्या होता है कि कई बार ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको अच्छा खासा दिख रहा होगा, ठीक है। जो पहचानने वाले थे वो उन्होंने पहचान लिया था, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, और जो नहीं पहचान पाए थे उनके लिए, ठीक है, मान लो आप नए ट्रेडर हो, आपको नहीं पता, और यहाँ पे क्या हुआ, आपने मैंने आपको बोला कि भाई ट्रेंड लाइन जो है उसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद में हम एंट्री लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक ये था लाइन और उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ तो हमको ग्रीन कैंडल बनी, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से करके करके नीचे आ गया, ठीक है। तो पहचानने वाले थे वो तो पहचान गए कि क्या था ये, और जो नहीं पहचान पाए थे वो यहाँ पे फंस गए थे, इसको बोलते हैं ट्रैप जोन, ठीक है। तो आप इस तरीके से में कैसे फंसते बताऊँ, देखो मान लो कि आपने यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने कॉल खरीदा, ठीक है, यहाँ पे आपने कॉल खरीदा और आप एक कैंडल दूसरी जो कैंडल बनी, ठीक है, एक ये तो ग्रीन बनी, उसके बाद में जो कैंडल्स आपको दिख रही है, ठीक है, सारी रेड रेड है और उस तरीके से ये नीचे आ गए, ठीक है। तो मान लो कि आपने यहाँ पे कॉल लिया तो आप यहाँ पे फंस सकते थे, और इस तरीके को बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट, ठीक है। उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा कि फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होता है और किस तरीके से पहचान के इसका जो सही उपयोग हम कर सकते हैं, सही उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं कि हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे और बच जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो फॉल्स ब्रेकआउट है, ठीक है, इसमें हमको एंट्री नहीं लेना है। लेकिन मान लो कि जब भी ट्रेंड लाइन होता है, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, इस तरीके से, और फिर ये जो ट्रेंड लाइन थी इसका क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ये ऊपर निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब भी मिलता है तो आप वहाँ पे एंट्री ज़रूर लीजिएगा और उसमें आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा, ठीक है।
कई बार मैंने आपको बता दिया कि आप उस तरीके से देख लो कि जब भी इसका ब्रेकआउट होने या फिर ब्रेकआउट होता है उसके बाद में कम से कम आपको एक या दो कैंडल का जरूर वेट करना है, ठीक है। एक या दो कैंडल आपको अच्छी खासी मिल जाए, जो भी जैसे आपको नीचे चाहिए तो उसमें आपको कम से कम दो से तीन कैंडल आपको अगर रेड कैंडल मिल जाती है, आपने पुट खरीदा मान लो दो से तीन कैंडल उसके ब्रेकडाउन होने के बाद में मिल जाती है, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो है अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो अच्छी है, ठीक है। और मान लो आप कॉल साइड की तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो कॉल साइड की तरफ आप अगर जा रहे हो तो उसके अंदर आपको कम से कम जो दो से तीन ग्रीन कैंडल है वो चाहिए होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हो। और जो परफेक्ट एंट्री होती है वो प्राइजेक्शन होता है, ठीक है। प्राइजेक्शन मेन चीज़ होती है हमारी जो उसके है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और दिखाता हूँ, एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट, यहाँ पे एक बड़ा गैप अप ओपनिंग हुआ था, ठीक है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में ये कैंडल सीधी डाउन नीचे की तरफ आया, ठीक है, मार्केट। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 5 मिनट पे मैं कर देता हूँ एक बार, 5 मिनट में ये चला गया पीछे, ठीक है। तो हम यहीं पे आते हैं वापस, और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये वाली ये जो ट्रेंड लाइन टाइप की है, मैंने यहाँ पे एक पोस्ट करा हुआ था, ठीक है, जो टेलीग्राम फ्री वाला चैनल है उसके अंदर मैंने ये चीज़ पोस्ट पहले ही कर दी थी कि किस तरीके से मार्केट अभी मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और इसका जैसे ही जो ब्रेकआउट होगा उसके बाद में हम एंट्री लेंगे, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद में जो है मैंने अपडेट करा था कि अभी इसका ब्रेकआउट हो गया है और इसके बाद में हम इसका जो है ये मैंने पहले से मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने पहले से मार्क करके उनको अपडेट कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टारगेट भी इनको बता दिया था कि यहाँ पे इतना टारगेट रखेंगे, ठीक है। और उस टारगेट के डन होने के बाद भी मार्केट ऊपर ही गया, देख लो यहाँ पे मैंने यहाँ तक का टारगेट रखा था, ठीक है। यहाँ पे एक जोन टाइप का था तो मैंने ये बना के पहले रख दिया था, और यहाँ पे मैंने इतना टारगेट रखने के बाद में उसके बाद में अगले दिन मार्केट खुला तो भी ये देखो ऊपर ही चला गया था, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट जाता है। और आप जब भी इसका इसके ऊपर जो ट्रेंड लाइन होता है या सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है इसके बाद में एंट्री लेते हो, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। अगर आप नए ट्रेडर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो आप ट्रेंड लाइन की बजाय आप जो है इस जोन का यूज़ करो, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की जगह इस जोन का यूज़ करो, आपको ये जोन बहुत मदद करता है, क्योंकि जोन में क्या होता है कि ऊपर नीचे में थोड़ा बहुत लेवल्स जो होता है, अगर आप नए ट्रेडर हो आपको नहीं पता होता है तो आपको ये मदद करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट जब भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मान लो कि अगर यहाँ पे आप एंट्री नहीं ले पाए, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो ये वाला लेवल है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो भी आपको अच्छा खासा पॉइंट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मोमेंट्स आपको मिलते हैं वो होता है कि आपको इस तरीके की एंट्री लेनी आनी चाहिए, और आपको ये पता लगना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, कहाँ पे ये रजिस्ट कर रहा है, उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये सब चीज़ें बहुत काम करती है मार्केट के अंदर। प्राइस एक्शन में ये भी ये अपने अलग अलग मायने रखती है, ठीक है। और उसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन आप जो है इस पर प्रैक्टिस ज़रूर करें, और प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा, क्योंकि ये जो मार्केट जब भी हम शुरू करते हैं, ठीक है, जो नया ट्रेड होता है उसको पता नहीं होता है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से मार्केट के अंदर क्या होता है कि उसको कई बार कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, उसको नहीं पता होता कि क्या फॉल्स ब्रेकआउट होता है, क्या इस तरीके का ब्रेकआउट उनके उसको नहीं पता होता है, ठीक है। बहुत सारी टर्म्स है इसके अंदर मार्केट के अंदर, जब भी जैसे जैसे आप धीरे धीरे सीखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट के अंदर आप सीख ही नहीं पाओगे, सब कुछ सीख पाओगे आप, अच्छी तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। अगर आप लगन से आप इसमें काम करते रहोगे, आप इसमें प्रैक्टिस करते रहोगे, तो एक दिन आप ज़रूर अच्छे ट्रेडर बनोगे, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, और टेलीग्राम का जो फ्री वाला चैनल है उसमें आप ज़रूर विजिट करें अगर आप नए ट्रेडर हो तो, ठीक है। उसके अंदर आपको जो एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहता है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मार्केट के अंदर अभी मूवमेंट होगा, ठीक है, और किस तरीके से हम ले सकते हैं, कॉल लें या फिर पुट लें, वो सब एजुकेशनल कंटेंट उसमें डालता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं पोस्ट वगैरह भी करता रहता हूँ कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो ओवरऑल इसके अंदर जो एजुकेशनल कंटेंट आता रहता है तो आप ज़रूर इस पर एक बार जाके विजिट करें, देखें, ठीक है, और थैंक यू। चलो आपने ये सीख लिया कि अभी आपको सही एंट्री लेना आ गया, ठीक है। सही एंट्री लेने के बाद में आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको टारगेट कितना रखना है, ठीक है, टारगेट हमको कैसे सेट करना है, ठीक है। टारगेट हम क्या करते हैं, जब नए ट्रेडर होते हैं तो यहाँ वहाँ पे जाके हम पॉइंट्स पे लगा लेते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस, ठीक है, वो आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है।
वहाँ पे जो है उस पर मैं अलग से स्टॉप लॉस का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मान लो कि आपको कितना टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। तो टारगेट देखो सब पे अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी जो डिमांड होती है वो अलग अलग होती है मार्केट से, क्योंकि कोई कितना चाहता है, कोई मान लो 500 रुपये चाह रहा है, ठीक है, तो कोई 1000 रुपये चाह रहा है। तो टारगेट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप जेन्यून एक टारगेट की बात करो, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ से अगर ये मार्केट निकला है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर लो, इसका जो हाई है वो उसको मार्क करके रखो, ठीक है। आपको ये पता रहेगा कि इसका जो हाई है वो मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप स्टॉप लॉस को क्या करते रहो, ट्रायल करते रहो, और उसके बाद में आप अपना जो दूसरा टारगेट है उसका वेट कर सकते हो। अगर आपका स्टॉप लॉस जो ट्रायल कर रहे हो उसको वो अगर हिट हो जाता है, ठीक है, तो आपको जितना मिला है वो लेके आप निकल जाओ, और अगर आप हिट नहीं होते हो, ठीक है, तो उसके अंदर आप आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि टारगेट अपने अपने हिसाब से लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन जो टारगेट होता है वो हमारा जो होता है वो अगला रेजिस्टेंस होता है, जो भी हमारा रजिस्ट करेगा कर सकता है वो हमारा जो अगला टारगेट हो जाएगा। यानी कि हमको जहाँ से लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है, एक लेवल हो गया, ठीक है, एक जहाँ से बार बार क्या कर रहा है मार्केट ने रिवर्स करने की कोशिश करी है, ठीक है, तो वो हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम जो है उसमें सेट कर सकते हैं, वो हमारा टारगेट हो जाएगा, और इस तरीके से ये हमारा टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी ऐसे ही सेट कर सकते हैं, और ये हमारा टारगेट इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ये डन करेगा, और इस तरीके से आप भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ठीक है।